हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ इस गर्मी के सीज़न में हम लोग अलग अलग रंग के खूब सारे फूल खिलाएं। और जो है, आज मैं 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि भाई आप लोग तो जानते ही हैं कि होली के काम काज, नाश्ता पानी, ये साफ़ सफाई, ये वो, तो हम गृहिणियाँ अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना काम हो जाता है इस वक्त। तो दोस्तों, इसी साफ़ सफाई के दौरान जो मेरे इंडोर प्लांट्स इतने दिनों से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा उसकी कटाई छटाई करके उसे थोड़ा धूप दिखा दूँ, ताकि जो है उसमें नई नई ब्रांचें हमारी निकलनी शुरू हो जाए। तो चलिए, आज सिंगोनियम पर ही काम करेंगे, क्योंकि ये विंटर सीज़न में मेरे इंडोर प्लांट्स थे, तो वो काफ़ी लैगी हो गए हैं, तो उसकी कटाई छटाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सिंगोनियम के प्लांट हैं, और ये देखिए, ये इतने लैगी हो गए हैं कि बोतल भी रुक नहीं पा रही है, और मैंने इसे अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें लगा रखा है, और इसे कल ही मैंने जो है 2 दिन पहले इंडोर से बाहर किया है। अब जो है, हम इसी ब्रांच से डिवाइड कर करके और भी प्लांट्स बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांट्स जो है, इसी तरह की वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं, हम उसको डिवाइड कर करके और भी घने प्लांट, और भी खूब सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से रूट्स निकली है, तो मैं इसकी ब्रांच जो है यहाँ से कट कर दूँगी, ये देखिए। और देखिए, ये प्लांट्स जो है जल्दी ख़त्म नहीं होता है, सूखता भी नहीं है, इसकी रूट्स में से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो अगर हम इसे छोटा भी कर देते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बेबी प्लांट्स निकलते ही रहेंगे। तो देखिए, मैं इसे यहाँ से भी कट कर दूँगी, और इसमें देखिए दूरी तक बांधनी पड़ी थी कि सपोर्ट के लिए, और स्टिक भी लगाई थी, लेकिन जब ज़्यादा लेगी हो जाता है ये प्लांट, तो इसकी कटाई छटाई करनी ज़रूरी हो जाती है। और ये जो ब्रांच है, सूखी ब्रांच, इसे आप क्लीन कर लें, ये देखिए। और इसमें थोड़ी सी आप कंपोस्ट डाल दीजिए, और ये प्लांट्स जो है हमारा खूब बुशी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे ये 2 प्लांट्स और तैयार हो जाएंगे। इसी तरह इसमें से भी हम लोग जो है, इसमें भी 3-4 प्लांट्स बन जाएंगे हमारे। एक ये हो गया, ये देखिए, एक यहाँ से कट कर देंगे, ये हो गया हमारा, और एक यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए, इसे भी आप लगा देंगे, देखिए इसमें नोड एरिया है, आप इसे भी लगा देंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। और बाकी लीव्स हमें हटा देनी है पुरानी वाली, देखिए पुरानी वाली सारी लीव्स मैं हटा दूँगी, देखिए, ये देखिए, इस तरह से हटा देंगे। तो बस इसी तरह हमारा इसमें से 2-3 प्लांट्स और तैयार हो जाएंगे हमारे, ये देखिए। तो दोस्तों, आप इसी तरह अपने जो है गार्डन में ग्रीनरी बनाइए समर के सीज़न में। और देखिए, इसका भी जो है यहाँ से कट कर दूँगी मैं, ताकि नीचे वाले को भी एनर्जी मिले इधर से। पुरानी लीव्स हटा देंगे, और इन सब में हम कंपोस्ट दे देंगे, ताकि इन्हें भी एनर्जी मिल सके। ये देखिए, और एक प्लांट ये है, इसको भी यहाँ से हम हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये इतने प्लांट ये तैयार हो जाएंगे। थोड़ी दिनों बाद इसमें न्यू लीव्स और निकलने लगेंगी, देखिए अभी भी न्यू लीव्स निकल ही रही है,
और जो है पुरानी लीव्स हम लोग हटा देंगे, और जो पुराने प्लांट्स हैं उसमें से ये पुरानी लीव्स अगर जो होगी उसे हटा के ये यहाँ से हम लोग इसे इतना दबा देंगे तो नए नए प्लांट्स हमारे खूब सारे तैयार हो जाएंगे। सो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब जो ये ब्रांचें बची हैं इनको हम चाहे मिट्टी में प्रोपोगेट करें चाहे पानी में, आप इंडोर भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे कुछ तो पानी में प्रोपोगेट करूँगी अभी फ़िलहाल के लिए, जब इसमें और कुछ मिट्टी में प्रोपोगेट करूँगी, और जब इसमें न्यू पानी में जो प्रोपोगेट करूँगी उसमें नई रूट्स निकल आएगी तो फिर जो है उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो पानी में इसे जो है मैं प्रोपोगेट करूँगी और इंडोर रखूँगी।